हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। देखिए आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का नया चैप्टर लेके आए हैं। आज हमारा चैप्टर कौन सा है, 6th चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटीज, ठीक है ना। उसका हम क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आपका जो 11th क्लास का है सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है ना। आज जो इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन आपको करने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा और वैसे भी चैप्टर काफ़ी ईजी है 11th क्लास का। तो देखिए इसमें क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज है। तो आपने देखिए 9th क्लास में 10th क्लास में आपने किया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज मीन्स लीनियर इनइक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5 = 0, ठीक है, मीन्स जिस इक्वेशन में क्या आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। और इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है आपका, ये इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, 1 है, इसलिए हमारी क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हो, 3x + 7 = 0, इक्वल टू का साइन है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1 है, तो हमारी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है इनइक्वलिटीज क्या होती है, इन ये तो क्या है, इक्वल टू का साइन आ जाए वो हमारी इक्वेशन होती है, और जहाँ पे आपको क्या आ जाए, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए, लेस देन का सिंबल आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का आ जाए, लेस देन इक्वल टू का आ जाए, ये हमारी क्या होती है, इनइक्वलिटीज होती है, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज। तो लीनियर इक्वलिटीज क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए उसमें हमारे जो सिंबल वो मैंने आपको बता दिया, ये होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें लीनियर इनइक्वलिटीज। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो इन इक्वेशन है वो कैसे बनाते हैं, कैसे मिलेगी आपको 2x + 3 > 5, या मिलेगा यहाँ पे 2x + 3 < 5, या मिलेगा यहाँ पे 2x + 3 > 5, या मिलेगा यहाँ पे 2x + 3 < 5, मीन्स आपको यहाँ पे ये सिंबल मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, वहाँ पे वो लीनियर इनइक्वलिटीज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंबल यहाँ पे ओपन है, जैसे मैंने लिख दिया 5 > 2, कि 5 बड़ी वैल्यू है 2 से, जिस साइड से ओपन होता है ये, उस साइड हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना, 5 > बोलेंगे इसको, या फिर ये वैल्यू ऐसे मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखिए जिस साइड से ये माउथ इसका बंद है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगी, ये वैल्यू छोटी होगी उस साइड में, तो 2 < 5 रीड करेंगे इसको, ठीक है, आगे समझ में ये। उसके बाद क्या है, देखिए लीनियर इक्वलिटीज आपको समझ में आ गई है, इनइक्वलिटीज समझ में आ गई, किसकी सिंबल क्या होंगे, और लीनियर इक्वेशन आप पहले कर भी चुके हैं। अब देखिए जो इनइक्वलिटी है हमारी वो दो टाइप की होती है, ठीक है ना, क्या होती है, इनइक्वलिटी हमारी दो टाइप की होगी, एक तो होगी स्ट्रिक इनइक्वलिटी और दूसरी क्या होगी, स्लैक इनइक्वलिटी, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रिक इक्वलिटी क्या होती है आपकी, देखिए जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी 2x + 3 > 10, या फिर 2x - 3 < 5, ठीक है, जहाँ पे ये सिर्फ ये दो सिंबल मिलेंगे आपको, या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल आ जाए, वहाँ पे क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक इनइक्वलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, स्लैक इनइक्वलिटी क्या होती है, यहाँ पे आपको सिंबल मिलेंगे दोनों, दो बातें कहेगा इसमें, या तो ये बड़ी रहेगी वैल्यू या फिर इक्वल रहेगी, किससे, 10 से, ठीक है, या फिर आपको ये मिलेगा 3x + 5 < 6, ठीक है। तो क्या रहेगी अब इसमें, या तो ये वैल्यू छोटी रहेगी या फिर इक्वल भी हो सकती है, तो इसमें आप दोनों बातें कही गई है इसमें, या तो ये बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है या फिर इक्वल भी हो सकती है। तो इन ये हमारी क्या होती है, इनइक्वलिटी हमारी दो टाइप की होती है इसके अंदर, ठीक है ना, स्ट्रिक इनइक्वलिटी और स्लैक इनइक्वलिटी। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो क्या। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल पढ़ेंगे इनके, ठीक है ना, वो रूल करने के बाद आपको ये चैप्टर काफ़ी ईजी लगेगा। वैसे भी चैप्टर हमारी 11th क्लास के लिए काफ़ी ईजी भी है, तो रूल करने के बाद और भी ईजी लगेगा। अब देखिए इसका जो फर्स्ट रूल है, अब देखिए इसका जो कुछ रूल है उसमें फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, इसमें वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इन इक्वेशन गिवन है उसमें बोथ साइड कुछ ऐड कर देते हैं या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो हमारा सिंबल है इनइक्वलिटी का है वो वहीं पे सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा उसमें, साइन पे भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ, जैसे 5 >
थ्री है, इसमें मैंने ऐड कर दिया इसमें टू, दोनों साइड ऐड कर दिया बोथ साइड टू, तो फाइव प्लस टू सेवन ग्रेटर देन थ्री प्लस टू फाइव। अब देखिए स्टार्टिंग क्या था, फाइव ग्रेटर देन थ्री था, अब क्या है सेवन ग्रेटर देन फाइव। अब भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, मीन्स आप इन इक्वेशन में आप कुछ भी प्लस करिए चाहे माइनस करिए बोथ साइड, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकेंड रूल, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर। जब आप क्या करोगे, किसी भी इन इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो किसी भी पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड, तो हमारी क्या रहेगी वहाँ पे, वो नो साइन चेंज, वहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जैसे मैं लिख दिया फाइव ग्रेटर देन टू लिख दिया इसमें, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है ना, किससे पॉजिटिव नंबर से, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे थ्री से, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, कितना हो गया थ्री फाइव या फिफ्टीन ग्रेटर देन थ्री टू या सिक्स। अब देखिए यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है पहले भी प्लस की वैल्यू थी अब भी प्लस की वैल्यू है, ठीक है, प्लस की तो रहेगी क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसमें। अब देखिए फाइव ग्रेटर देन टू है और यहाँ भी क्या है फिफ्टीन ग्रेटर देन सिक्स है, कोई भी चेंज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। ऐसे आप इसमें डिवाइड से भी कर सकते हो, जैसे ले लीजिए टेन ग्रेटर देन सिक्स, इसको मैंने डिवाइड कर दिया टू से, ठीक है, बोथ साइड टेन बाई टू ग्रेटर देन सिक्स बाई टू, टू से कैंसिल टू फाइव जा टू थ्री जा, मीन्स फाइव ग्रेटर देन थ्री है। और पहले भी क्या था टेन ग्रेटर देन सिक्स सिंबल हमारा देखिए जो ओपन हुई इसी साइड में है, कोई भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए, वहाँ पे साइन चेंज आपका नहीं होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रूल है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नेगेटिव नंबर्स, आप किसी भी इन इक्वेशन को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यही लिख दिया इसमें फाइव ग्रेटर देन टू है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस थ्री से, ठीक है, कि मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई टू, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है इसमें, थ्री फाइव या फिफ्टीन और यहाँ पे थ्री टू या सिक्स नेगेटिव का। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें हमारी, ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें, ये वैल्यू बड़ी है कि जितनी हमारी छोटी रहेगी नेगेटिव वो उतनी ही बड़ी होती है, जितनी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी रहेगी, ठीक है। तो माइनस फिफ्टीन लेस देन माइनस सिक्स, तो देखिए यहाँ पे क्या था फाइव ग्रेटर देन टू था हमारा, ठीक है। अब हमारा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो इन इक्वेशन है इनइक्वालिटी है वो हमारी चेंज हो गई, यहाँ पे देखिए सिंबल भी चेंज हो गया, उसके बाद क्या है साइन हमारे किसके हो गए इसमें नेगेटिव का हो गया, ठीक है। ऐसे हम डिवाइड करके देखते हैं इसमें, डिवाइड सिर्फ यही आएगा, देखिए जैसे फाइव ग्रेटर देन टू है इसको मैंने डिवाइड कर दिया माइनस टू से, ठीक है, माइनस टू से कर देते हैं, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया माइनस टू से। चलो अगले स्टेप में करके दिखा देते हैं इसमें, जैसे 5 बाई माइनस टू और 2 बाई माइनस टू, ठीक है, माइनस टू से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 2.5 नेगेटिव का, 2 से 2 कैंसिल माइनस का 1। अब इसमें देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है आपकी, ये वैल्यू बड़ी है तो हमारा क्या है जो साइन वो चेंज हो गया, ठीक है ना, वो हमारा साइन इस साइड था तो इस साइड आ गया हमारा, ठीक है, आगे समझ में। तो हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें तो हमारा क्या है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है हमारा इसमें, अब देखिए इसमें मैंने कोई एक इनइक्वालिटी ले ली इन इक्वेशन, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइव ग्रेटर देन टू ले लिया इसमें, ठीक है, आगे समझ में। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, ये हमारा रूल नंबर फोर है, अब इसमें मैं बोथ साइड नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, ठीक है ना, बोथ साइड नेगेटिव साइन लगाने से देखो क्या होगा माइनस फाइव माइनस टू। अब यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं तो क्या होता है फाइव ग्रेटर देन टू, कि जो फाइव है वो ग्रेटर देन हमारी वैल्यू टू से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू बढ़ी है आपकी, माइनस का साइन लगाने के बाद बोथ साइड माइनस फाइव है और यहाँ पे क्या है माइनस टू, अब ये वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया आपका, ठीक है, आगे समझ में। या फिर आप क्या करते हो इसमें देखिए, जैसे कि माइनस के फाइव लेस देन माइनस टू, माइनस जो साइन है उसको आप रिमूव कर देते हो यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा फाइव टू, हमने माइनस का रिमूव कर दिया, अब देखिए ये भी साइन चेंज हो गया आपका, कि यहाँ पे क्या है माइनस फाइव लेस देन माइनस टू है, अब यहाँ पर रीड करेंगे तो फाइव ग्रेटर देन हो गया ये, ठीक है ना, फाइव ग्रेटर देन टू हो गया। तो जो नेक्स्ट रूल है इसमें, रूल फिफ्थ, जब कोई भी हमारे पास ये गिवन है इनइक्वालिटीज, ठीक है ना,
इसका हम क्या कर देते हैं, जब रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते हैं इसको, तो अभी साइन आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5 को मैंने लिख दिया 1/5, इसको लिख दिया 1/2, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करते हो तो कितना आता है, 0.2 आएगा। इसको आप सोल्व करोगे कितना आएगा यहाँ पे, 0.5। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.5 बड़ा है 0.2, देखिए 0.5 वैल्यू आपकी बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। जब किसी भी इनइक्वालिटीज़ को हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे रूल थे, 5 रूल थे, ज़्यादा रूल नहीं है इसमें, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इनको अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना। और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।